अभिषेक बैनर्जी इस कमेटी के सदस्य हैं, इन्होंने नहीं आ सकते, इसलिए ईडी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती। अभिषेक बैनर्जी जी के किस हिसाब से बीजेपी जो है लोगों को तंग कर रही है हम लोगों को। 13 सितंबर यानी बीते बुधवार को दिल्ली में विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें 1 सितंबर को तीसरी बैठक में तय हुए 13 समिति के मेंबर्स शामिल हुए। हालांकि 14वें मेंबर यानी कि टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए मीटिंग में एक सीट खाली छोड़ी गई और केंद्र को भी एक कड़ा संदेश दिया गया। मीटिंग से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने भी साफ कह दिया था कि टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ईडी और सीबीआई उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहती है। हम सब लोग वहाँ आ रहे हैं एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस। अभिषेक बैनर्जी तृणमूल के नेता इस कमेटी के सदस्य हैं, अभी अभी मेरी उनके नेताओं से बात हो गई, लेकिन वो नहीं आ सकते, इसलिए ईडी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में पहुंचे और इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनका सहभाग हो। आज की तारीख उनको ईडी का समन्स है और बुलाया गया है, लेकिन हमने कहा है उनको कि हम आपकी कुर्सी वैकेंट रखेंगे और देश को संदेश देंगे। इसी वजह से उनके लिए एक सीट खाली छोड़ी जाएगी। बता दें, टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी को पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। टीएमसी सांसद को ये समन केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा लिप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में छापेमारी के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिस पर एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इसका इस्तेमाल करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन करने के लिए किया गया था। ईडी ने दावा किया था कि बैनर्जी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। वही ईडी से मिलने के बाद अभिषेक बैनर्जी ने एक बयान में केंद्र सरकार और सेंट्रल एजेंसी पर आरोप लगाए और विपक्षी गठबंधन के साथियों का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके लिए एक सीट खाली छोड़कर उनका स्टैंड लिया। ये साबित करता है कि तृणमूल का भूमिका या रोल इस ऑपोजिशन अलायंस को फोर्ज करने में कितना महत्वपूर्ण है। सो इट इज अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट दैट द काइंड ऑफ रोल तृणमूल कांग्रेस हैज प्लेड in the last few months to forge this opposition alliance and to make sure that every party has come together irrespective of their political differences and keeping their egos and differences aside. And I thank each one of them for expressing solidarity in my favor and standing beside me in this trying time. Action committee ke jitne sadasya members the sab log the sivaye Abhishek Banerjee ji ke, kyunki hum log sab log wajah jo hai jante hain किस हिसाब से बीजेपी जो है लोगों को तंग कर रही है हम लोगों को, सभी लोगों को, विपक्ष के दलों को। बता दें, इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई, जहां केसी वेणुगोपाल से लेकर डी राजा, शरद पवार, संजय राउत, महबूबा मुफ्ती, राघव चड्ढा, तेजस्वी यादव सभी शामिल थे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि यहां सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी बात बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।